हाय फ्रेंड्स वेलकम डाउट क्लियर होने वाला है तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट देन पोलराइजेशन इंडेक्स और डायलैक्ट्रिक एब्सोब्सन रेशियो इसका सिग्निफिकेंस क्या है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पीआई टेस्ट कैसे काम करता है और इस पीआई में जो पोलराइजेशन टर्म है उससे एक्चुअली क्या सिग्निफाई होता है उसके बाद इस पीआई टेस्ट में देखोगे 10 मिनट का आयर वैल्यू को यूज किया जाता है आखिर ये 10 मिनट वाला आयर वैल्यू क्यों यूज करना है एंड एट लास्ट वी आई वैल्यू कितना होना चाहिए और अगर पी आई वैल्यू कम हो तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो तो चलो पहले समझ लेते हैं ये पोलराइजेशन इंडेक्स और डाइलेक्ट्री एब्सोब रेशियो ये दोनों है क्या और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से तुम अगर किसी मोटर या केबल का आयर चेक करोगे तो देखोगे आयर वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है जितना देर तक हम लोग यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे आयर वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहता है पी आई और डी एर बेसिकली दो आयर वैल्यू का रेशियो है सो डी आर कितना होगा 60 सेकेंड वाला जो आयर वैल्यू है उसको 30 सेकेंड वाला आयर वैल्यू से डिवाइड करना है सिमिलरली पी आई निकालने के लिए 10 मिनट वाला आयर वैल्यू को एक मिनट वाला आयर वैल्यू से डिवाइड करना है सो दिस इज योर पोलराइजेशन इंडेक्स एंड एब्जॉर्प्शन रेशियो यहाँ तक हम लोग जस्ट ऊपर ऊपर समझे पी और डी क्या है आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे ये टेस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है पी आई के वर्किंग में जाने से पहले समझ लेते हैं ये दो आयर वैल्यू का रेशियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ट्रांसफॉर्मर मोटर जनरेटर सब में देखोगे पी आई टेस्ट किया जाता ही है तुम देखो कि सब डिवाइस का आयर वैल्यू सेम तरीके से टाइम के साथ चेंज नहीं होता है किसी का आयर वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहता है और किसी का आयर वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है तो देखो जिस डिवाइस का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ते रहेगा उसका पी आई वैल्यू ज्यादा होगा और इस रेड वाले कार्ब का पी आई वेल्यू कम होगा सो so ये रेशियो एक्चुअली तुमको बताता है आयर वैल्यू टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है एक्चुअली इस एक मिनट से दस मिनट तक आयर वैल्यू किस तरीके से बढ़ेगा वो करता है है इंसुलेशन इंसुलेशन कंडीशन के 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 ऊपर मोटर अंदर अंदर ट्रांसफार्मर जो उसका हेल्थ कैसा है इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर तो नहीं घुस गया वाइंडिंग इंसुलेशन पहले से डैमेज तो नहीं है ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इस रेशियो से मिल जाता है एक्चुअली ये पॉसिबल हो पाता है पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण जब पी टेस्ट करने के लिए दस मिनट तक हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते रहते हैं तो इंसुलेशन के अंदर पोलर मेटीरियल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन में अलाइन हो जाता है और इससे पता चल जाता है इंसुलेशन का कंडीशन कैसा है अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझने के लिए पीआई टेस्ट का वर्किंग एकदम बेसिक से समझना होगा पीआई टेस्ट का वर्किंग का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जस्ट थोड़ा सा मन लगा के सुन लो कंसिडर करो इस केबल का आयर वैल्यू हम लोगों को निकालना है सो so, आयर वैल्यू निकालने के लिए जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इंसुलेशन के थ्रू ये तीन करंट फ्लो करेगा अब ये तीनों करंट कैसे फ्लो करता है थोड़ा समझ लो पहले लीकेज करंट को कंसीडर करो देखो कोई भी इंसुलेटर कितना भी परफेक्ट हो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में लीकेज करंट फ्लो करता ही है अब इस कैपेसिटिव करंट को देखो ये एक मेटल है और ये हो गया तुम्हारा सीध जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और बीच में है इंसुलेटर जो सब मिलके एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है सो इस जियोमेट्रिकल कैपेसिटेंस के कारण मतलब इस केबल का सेप के कारण जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा फॉर दैट कैपेसिटिव करंट फ्लो तो लीकेज करंट कैपेसिटिव करंट ये दोनों तो समझ आया लेकिन पोलराइजेशन करंट ये एक्चुअली क्यों फ्लो करता है इंसुलेशन के अंदर पोलराइजेशन करंट तीन रीजन के कारण फ्लो करता है एक्चुअली पीआई टेस्ट में ये तीनों कंपोनेंट जो करंट का है इसमें से मेन रोल है पोलराइजेशन करंट का तो अब तुमको लग सकता है ये दो करंट का रोल क्यों नहीं है देखो PI निकालने के लिए एक मिनट वाला आयर वैल्यू और दस मिनट वाला आयर वैल्यू हम लोगों को चाहिए अब टाइम के साथ ये तीनों करंट कैसे भैरी होता है देखो लीकेज करंट टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहता है अब देखो ये कैपेसिटिव करंट एक मिनट से पहले ही जीरो हो जाता है सो इस एक से दस मिनट में आयर वैल्यू का जो चेंज आएगा वो आएगा पोलराइजेशन करंट के कारण सो पी टेस्ट के पीछे मेन खेल है इस पोलराइजेशन करंट का ही तो चलो वन बाई वन इस पोलरेशन करंट क्यों फ्लो करता है समझ लेते हैं पोलरेशन करंट फ्लो करने के पीछे फर्स्ट रीजन है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इस केबल का ये पोर्शन कंसिडर करो देखो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाता है अब जब हम लोग इस टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस इंसुलेटिंग मेटेरियल के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अब ये नेगेटिव पोलरिटी होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा नीचे की तरफ धकेलेगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करने लगेगा अब इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए एनर्जी से आएगा वो आएगा पोलराइजेशन करंट के थ्रू अब चलते हैं इस करंट का फ्लो करने के सेकेंड रीजन पे जो है डिस्टोरशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से इस रीजन को जूम करके देखो इंसुलेटर के अंदर जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर रहता है लेकिन जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पोलरिटी के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सर्कुलर था वो ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव पोलरिटी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा सो इस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण भी पोलराइजेशन करंट फ्लो करता है पोलराइजेशन करंट फ्लो करने के पीछे लास्ट रीजन है अलाइनमेंट ऑफ पोलराइज मॉलिक्यूल पीआई टेस्ट के पीछे यही मेन फंडा है इस से ही समझ पाओगे पीआई टेस्ट कैसे एक इंसुलेटर के अंदर का कहानी बता पाता है इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर घुस गया कि नहीं कैसे बता पाता है तो चलो देख लेते हैं मॉइस्चर घुसने के बाद एक्चुअली क्या होता है मान लो इस इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर घुस गया है और मॉइस्चर का मतलब क्या वाटर एंड दिस वाटर मॉलिकुल और वाटर मॉलिकूल एक पोलर मॉलिकूल होता है चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्लास ट्वेल्व में पढ़े हो हो सकता है भूल गए हो देखो एच टू ओ में एक ऑक्सीजन एटम एंड दो एच टू एटम रहता है अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको देखो ऊपर की तरफ खींच लेता है इससे ऑक्सीजन वाला साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने के कारण नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन वाला साइड हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इस को अच्छे से समझ पाओगे देखो इंसुलेशन में मॉइस्चर घुसने के बाद ये मॉइस्चर मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज कंडीशन पे रहता है लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं हर मॉलिक्यूल इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन पे अलाइंड हो जाता है सो so, इससे तुम समझ सकते हो अगर किसी इंसुलेशन में मॉइस्चर घुस गया है उस केस में पोलेशन करंट बहुत देर तक हाई रहेगा एक्चुअली अगर ये इंसुलेटर मॉइस्चर फ्री होता तो पोलराइजेशन करंट एक से दस मिनट में इस तरीके से धीरे धीरे कम हो जाता और पोलराइजेशन करंट कम होगा तो जो आयर वैल्यू आएगा वो टाइम के साथ बढ़ते जाएगा तो इस पिक्चर से देख सकते हो एक मिनट में जो आयर वैल्यू मिला दस मिनट में उससे बहुत ज़्यादा आयर वैल्यू मिला लेकिन अगर इंसुलेशन में मॉइस्चर घुस जाए तो पोलराइजेशन करंट बहुत देर तक हाई रहता है जिसके कारण एक मिनट और दस मिनट वाला आयर वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है और उस केस में लो पोलरेशन इंडेक्स मिलता है सो so, समझ गए लो पोलराइजेशन इंडेक्स कैसे मॉइस्चर इनग्रेस को इंडिकेट करता है अब चलो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन समझ लेते हैं इस पीआई टेस्ट में 10 मिनट और एक मिनट वाला आयर रीडिंग क्यू यूज होता है पहले ये एक मिनट वाला लॉजिक देख लेते हैं आयर टेस्ट के दौरान जो कैपेसिटिव करंट फ्लो करता है वो एक मिनट के अंदर जीरो हो जाता है एक्चुअली पी आई टेस्ट में इस कैपेसिटिव करंट को हम लोगों को कंसिडर करना ही नहीं है फॉर दैट रीजन वी यूज वन मिनट रीडिंग अब चलो दस मिनट के पीछे क्या लॉजिक है देख लेते हैं एक्चुअली बहुत पहले 1970 टू 1975 में जो इंसुलेटिंग मेटेरियल यूज होता था उसमें देखने को मिलता था ये पोलराइजेशन करंट 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता था मतलब पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता था इसीलिए 10 मिनट वाला रीडिंग तब से यूज किया जा रहा है लेकिन अभी का जो सब इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें ये जीरो करंट ऑलमोस्ट दो मिनट में आ जाता है लेकिन एज ए कॉमन प्रैक्टिस हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो फॉलो किया जा रहा था अब चलो देखते हैं किसी भी डिवाइस का पी वैल्यू कितना होना चाहिए अगर पी वैल्यू वेल्यू दो से ऊपर आए तो उसको अच्छा कंसिडर किया जा सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा पी वैल्यू आए तो अच्छा है अगर पी वैल्यू फाइव से ज्यादा है तुमको समझ जाना है कि इंसुलेशन ब्रिटल हो चुका है अगर उस केबल को ट्विस्ट करोगे तो उसमें जो इंसुलेशन है वो टूट सकता है नॉर्मली एजिंग इफेक्ट के कारण ये ब्रिटल इंसुलेशन का प्रॉब्लम आता है अब चलो देख लेते हैं पी आई वैल्यू को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है पर इंसुलेशन के अंदर कुछ पोलर मेटेरियल घुस जाए जैसे मॉइस्चर तब देखोगे पी आई वैल्यू दो से नीचे ही आता है उस केस में केबल में हीटिंग देके मॉइस्चर को निकालना है सो आई होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक अगर पी आई टेस्ट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दैट्स ऑल फॉर नाउ गुड बाय